मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक खींचतान का दौर जारी है। इस बीच भाजपा के मंत्री जनता से जुड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में, जब जिले के प्रभारी मंत्री और शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल सिवनी मालवा पहुंचे। कमल पटेल सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा से उनके निवास ग्राम बगवाड़ा में मिले, जिसके बाद वे सिवनी मालवा आ रहे थे। तभी रास्ते में एक खेत में खड़ी मक्का की फसल देखकर कृषि मंत्री ने अपने काफिले को रोक लिया। कृषि मंत्री कमल पटेल अपनी गाड़ी से निकलकर खेत तक पहुंच गए, जहां उन्होंने मक्का की फसल का जायजा लिया। मक्का की फसल में कीट के प्रकोप को देखकर उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से इसकी जानकारी ली और किसानों को इसके निराकरण और उपाय बताने के निर्देश भी दिए। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री लगातार किसानों से जमीनी तौर पर जुड़ रहे हैं। कृषि मंत्री के इस तरीके से जुड़ने को लेकर किसानों ने राहत की सांस ली है। उन्हें अब उम्मीद बन गई है कि हमारे ही बीच के लोग सत्ता पर काबिज हैं। पूरी फॉर्म गोल को छील के बताओ ना, अंदर खोल के उसके इल्ली अंदर रहते हैं। अभी मक्का की फसल लगी थी, उसमें मैं देखने गया था, उसमें इन लगी है। हमने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसके वैज्ञानिक से जांच कराकर उसमें दवाइयों का छिड़काव कराएं, ताकि किसान की फसलें बचें।